ओके बिस्मिल्लाह, बस आप दुआ करें, आओ जल्दी आओ। जल्दी आओ। वो पत्थर उठाओ, बस यहां रख दो। चलो बिल्कुल ठीक है, बड़ी मेहरबानी। यहां वो सारा निजाम है। सिर्फ हरम के लिए सैकड़ों चिलर हैं। इससे नीचे ठंडे पानी के पाइप हैं, जिनसे पूरा हरम ठंडा रहता है ताकि जायर अपने मकसद पर रहे। हरम में हर आने वाला हैरान है कि ये पत्थर सख्त गर्मी में भी ठंडा रहता है। इसका राज ये है कि ये खास पत्थर जो यूनान से दरामद किया जाता है, इसकी खूबी ये है कि ये गर्मी और रोशनी को मुनक्कस करता है। ये पत्थर पूरे हरम में ऐसी सम्प पर है ताकि आदमी का रुख काबे की तरफ रहे, यानी जहाँ काबा नजर ना भी आए तो पता चल जाए कि इसी तरफ रुख करके नमाज पढ़नी है। देखो इंजीनियर्स ने कैसे बनाया है, ये आसान नहीं। हरम मुख्तलिफ हिस्सों में बटा हुआ है, हर हिस्से की मेंटेनेंस के लिए इंजीनियर्स मौजूद हैं। जहाँ कोई पत्थर खराब हो जाए या टूट जाए, इसको मरम्मत किया जाता है। हरम में एक और बड़ी आला फैसिलिटी मयसर है, वो है अल मकसद एप्लीकेशन। इस्तेमाल का तरीका यूं है, आप हरम में जहाँ भी जाना चाहें एप्लीकेशन खोलें, इब्तदा पर प्रेस करें, इस नाम पर प्रेस करें। मसलन आपको गूंगे बहरों के ऑफिस जाना चाहते हैं, या व्हीलचेयर ऑफिस, या किसी गेट पर जाना चाहते हैं, तो आपके सामने नक्शा आ जाएगा। सानियन, इसमें मुख्तलिफ जबानों का ऑप्शन है। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा गेट नंबर 29। ये एप्लीकेशन बगैर इंटरनेट चलती है। 29 नंबर गेट 2 मिनट की मुसाफत पर है। ये हुजाज की आसानी के लिए है, ताकि इधर उधर घूम फिर के वक्त जाया ना हो। लो हम मतलूबा गेट पर पहुंच गए। एक और बड़ी उम्दा फैसिलिटी है, साउंड सिस्टम। हरम का साउंड सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा सौती निजाम है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी चार मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं। अगर एक बंद हो जाए तो दूसरा, फिर तीसरा स्टार्ट हो जाता है, ताकि जब अजान हो या जमात तो एक सेकंड के लिए भी हरम की आवाज बंद ना हो। इमाम की आवाज जितनी भी अच्छी हो, अगर स्पीकर खराब हो या शोर कर रहा हो तो आदमी नमाज में बेचैन हो जाता है। हरम में 6000 स्पीकर्स हैं, 4 साउंड सिस्टम है, 50 अफराद इसको चलाते हैं। दुनिया में 80% मुसलमान गैर अरबी हैं। 4 बड़े इस्लामी ममालिक गैर अरबी हैं, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, जबकि काबा सब मुसलमानों का है। लिहाजा इनकी फैसिलिटी के लिए दुनिया की 65 मुख्तलिफ जबानों में कुरान पाक का तर्जुमा हरम में दस्तयाब है। खुतबे जुमा की अदायगी के लिए हम हरम आए। खुतबे का मौजू बड़ा अहम था। जरा तसव्वुर करें, अगर जारी ने हरम को मालूम ही नहीं इमाम क्या कह रहा है, तो इनके सुनने का क्या फायदा। लिहाजा हुजाज के लिए 5 मुख्तलिफ जुबानों में बराह रास्त तर्जुमे की फैसिलिटी मौजूद है। हैंड फ्री लगाएं, साइट खोलें और अपनी जबान में खुतबा सुने, बल्कि गूंगे बहरे लोगों के लिए खुतबे का तर्जुमा करने वाले अफराद मौजूद हैं। آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون। मुसलमान हर मोहताज की जरूरत का ख्याल रखते हैं। अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नाबीना के मुतल्लिक मुतनब्बी फरमाया। हरम में ब्रेल जबान में भी कुरान मौजूद है, ताकि नाबीना अफराद हरम में तिलावत कर सके। रब्बना ला तुआखिदना इन नसीना औ अख्ताना। इनके अलावा और कई फैसिलिटीज हैं, मसलन आम व्हील चेयर्स
10,000 से ज्यादा व्हील चेयर फ्री दस्तियाब हैं। बरकी व्हील चेयर 400 बरकी व्हील चेयर खास जरूरतमंदों के लिए दस्तियाब हैं। मुस्तकबिल में 2 या 3 अफराद के लिए एक खुदकार व्हील चेयर आने वाली है, इंशाल्लाह ये जल्द आ जाएगी। खुदकार व्हील चेयर 3 अफराद के लिए है ताकि एक आदमी 3 अफराद को तवाफ और सही करा सके। ये बरकी है, बड़ी आसानी से चलती है, इंशाल्लाह ये जल्द आने वाली है। हरम में मजीद बेहतरी जारी है। स्काउट खुश आमदीद, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अपना तारुफ कराएं। हम मक्का के नौजवान हैं। मक्का के नौजवान माजूरों बूढ़ों की फ्री खिदमत करते हैं। बखुदा ये बड़ा ही उम्दा काम है, मैंने ऐसा कभी सोचा भी न था। ये तवाफ और सफा मरवा कराते हैं, कितने घंटे काम करते हो? 4 शिफ्टें हैं, एक शिफ्ट 6 घंटे की है। 24 घंटे? 24 घंटे सारा साल काम करते हैं। सुबह 6 बजे आगाज होता है। माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें और तौफीक दे। आमीन। अल्लाह बरकत दे। आमीन। अम्मा मेरे लिए दुआ करें। मालूम नहीं मलेशिया या इंडोनेशिया से हैं, हुजाज हजारों मीलों से आते हैं। इनके दिलों में यहाँ जो लिल्लाहियत होती है ये कहीं और नहीं हो सकती। हो सकता है वो हाजी पहली मर्तबा आया हो या इसका आना आखिरी मर्तबा हो, शायद जिंदगी में इसको दोबारा मौका ना मिले। जब कोई इनकी खिदमत करता है तो इनके दिलों में घर कर जाता है, फिर वो हाजी सारी जिंदगी दुआ गो रहते हैं। अल्लाह मक्का के जवानों का जज्बा कबूल फरमाए। इसी से मिलता जुलता और रिफाई काम वो है इफ्तारी। कह सकते हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा दस्तखान हो। अंदरूनी हरम में 5 लाख घुटली निकली खजूर और 5 लाख हरम से बाहर घुटली निकली खजूर इफ्तारी के लिए तकसीम की जाती है। बेशुमार अफराद इस काम को फ्री सर अंजाम देते हैं ताकि रोजेदार को हरम में इफ्तारी कराए। काम करने वाले इसको अपने लिए बाइस इज्जत समझते हैं। बड़ा अहम सवाल, क्या इन तमाम कामों में कभी गलती नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई काम पूरा मुकम्मल नहीं होता क्योंकि कमाल तो अल्लाह की सिफत है। ये इंसानी काम कभी इनफरादी गलती हो सकती है, कभी गैर मुतवक्को हालात होते हैं, लेकिन कोई मुनसिफ इस बात का इनकार नहीं कर सकता कि मक्का में हमेशा बेहतर से बेहतरीन काम जो इस साल है आइंदा इससे बेहतर होगा। ज़ईफुर रहमान की खिदमत का प्रोजेक्ट 12 विजनरी प्रोजेक्ट में से एक है। सैकड़ों मुआवन इदारे कोशा हैं ताकि आने वाले सालों में और बेहतर अंदाज में पेश कर सकें। यही प्रोजेक्ट 2030 के विजन का बुनियादी रुकन है। नाज़रीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको आफियत से नवाजे। हम शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे साथ रहे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इस डॉक्यूमेंट्री में कोशिश ये की गई है कि हर बात हरम के हवाले से सही सही मौजूद हो। गलती इंसानी खता है क्योंकि कमाल सिर्फ अल्लाह की जात है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्हम्दुलिल्लाह।